अयोध्या में सालों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद अब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। वाराणसी के ज्ञानव्यापी मंदिर मस्जिद का केस कोर्ट में चल रहा है, सर्वे भी किया जा चुका है। कुछ इसी तरह का विवाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्थित संभल में भी सालों से चल रहा है, जहां हिंदू पक्ष जामा मस्जिद को श्री हरिहर मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। अब इस मामले को कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है, पूरी खबर विस्तार से जानते हैं। काशी और मथुरा के बाद अब संभल की जामा मस्जिद का मामला कोर्ट पहुंच गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु जैन ने अपने पिता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन सहित 8 लोगों की ओर से सिविल जज सीनियर डिवीजन में वाद दायर कर दावा किया कि संभल की शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर है। इस मुकदमे में नोएडा निवासी पार्थ यादव और वेदपाल सिंह, संभल निवासी महंत ऋषि राजगिरी, राकेश कुमार, जीतपाल यादव, मदन पाल और दीनानाथ भी वादी हैं। कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश राघव को सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया। कोर्ट के आदेश के बाद एडवोकेट कमिश्नर वीडियोग्राफी कराने जामा मस्जिद पहुंचे। उनके साथ वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन भी मौजूद थे। एडवोकेट कमिश्नर रमेश राघव ने बताया कि मंगलवार को करीब 5 घंटे तक मुख्य हाल व अन्य हाल की वीडियोग्राफी कराई गई। कुछ हिस्सों की वीडियोग्राफी और कराई जा सकती है। 29 नवंबर को रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में पेश की जाएगी। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि 1529 में बाबर ने इस मंदिर को तोड़कर यहां मस्जिद बनवाई थी। 1529 में बाबर ने इस जगह को, मंदिर को तोड़कर यहां पे तथाकथित मस्जिद के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी और आज उसी के लिए यहां पे दावा पेश किया गया है, क्योंकि ये एक एएसआई प्रोटेक्टेड एरिया है और एएसआई प्रोटेक्टेड एरिया में किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं हो सकता है। वहां पे अभी भी ऐसे बहुत सारे साइंस और सिंबल्स हैं जो हिंदू मंदिर के हैं, हरिहर मंदिर के हैं। इसीलिए आज इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल ने ये आदेश पारित किया है कि वहां पे एडवोकेट कमीशन जारी हो और एडवोकेट कमीशन वहां पे सर्वे करके वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के माध्यम से उसके बाद कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट दाखिल करे। आपको बता दें कि जैसे ही खबर आई कि टीम सर्वे करने के लिए जामा मस्जिद आ रही है, वैसे ही भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद के आसपास जमा हो गए। सर्वे के दौरान भी मस्जिद के बाहर जमा भीड़ ने धार्मिक नारे भी लगाए। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया एवं पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मौजूद रहे और लोगों को शांत कराया। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्ग व विधायक इकबाल महमूद के पुत्र सुहेल इकबाल ने भी मौके पर आकर अधिकारियों से बात की। सदर शाही जामा मस्जिद संभल जफर अली एडवोकेट ने सर्वे के बारे में बताया कि टीम का पूरा सहयोग किया जाएगा, हम सभी लोग इससे पूरी तरह से संतुष्ट हैं। हम भी मौजूद थे, लेकिन सर्वे में कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई चीज नहीं पाई गई है जिससे कोई संदेह इस तरह का हो। यही माना जाएगा कि ये असलियत में जामा मस्जिद ही है। कोर्ट ने जो सर्वे का आदेश दिया था वो विद इन 7 डेज के लिए दिया था, लेकिन चूंकि वकील कमिश्नर जो है उन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि उनकी बेटी की लगन आ रही है, इस वजह से वो अभी आ गए। सर्वे में उन्होंने पूरी जामा मस्जिद के फोटोग्राफी की है, यही सर्वे था उनका, उन्होंने कर ली, वो कंप्लीट कर ली उन्होंने, छानबीन करने दी उन्होंने कर ली। जहां हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद में तमाम ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जो हिंदू मंदिर होने की गवाही दे रहे हैं, वही मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये जगह शाही मस्जिद ही है और रहेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होनी है। हालांकि एहतियातन पूरे शहर में जगह जगह पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है ताकि कोई गड़बड़ी न हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी संवाद।